आज तक हम लोग मुनव्वर फारूकी की रोस्टिंग या फिर मुनव्वर फारूकी के स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर अप्रिशिएट भी करते थे, कहते थे कि ये बंदा थोड़ा बहुत कॉमेडी कर ही लेता है। वहीं साथ ही साथ लॉकअप या फिर बिग बॉस में उनकी स्ट्रैटेजीज देखकर हम कहने लगे ये बंदा बहुत ज्यादा दिमाग चलाता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मुनव्वर फारूकी के दिन जो हैं वो धीरे धीरे फेड आउट हो रहे हैं, क्योंकि मुनव्वर को चलते शो में ही लोग रोस्ट करके चले जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे मुनव्वर का मोए मोए हो गया। क्या रीजन है, क्या बात है, आइए इस वीडियो में बताता हूं कि किसने करा मुनव्वर का मोए मोए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल डेली खजाना, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बिग बॉस सीजन 17 को जीतने के बाद मुनव्वर की जहां चारों तरफ नाम को लेकर बातचीत हुई, वही साथ ही साथ मुनव्वर को लेकर काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी घर कर गई। पूछने लग गए लोग सवाल कि आखिरकार इस बंदे ने किया क्या था जो शो में ये जीत गया। खैर वैसे जो भी है, रियल विनर अभिषेक को कहा जाता है, लेकिन ठीक है, मुनव्वर को ट्रॉफी मिल गई। अब मुनव्वर के अगर हम बात करें आगे के प्रोजेक्ट्स की, तो हमने उन्हें म्यूजिक वीडियोस में देखा, अलग अलग जगह पे कैमियोस करते हुए देखा, और अभी रिसेंटली हम मुनव्वर को प्लेग्राउंड 4 में देखेंगे, जो कि अमेजोन टीवी सीरीज जो है, अमेजोन मिनी टीवी सीरीज, उसमें आता है। अब यहाँ पर मुनव्वर को जज बन के बुलाया गया। एल्विश यादव भी था यहाँ पे, पैथ भी था, और एक और थे वहाँ पे, और वहाँ पे वो बैठ के जो है कंटेस्टेंट्स का इंटरव्यू ले रहे थे और कंटेस्टेंट्स को बुला रहे थे। एक ऐसा धाकड़ कंटेस्टेंट आया जिसने मुनव्वर की बोलती बंद कर डाली। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुनव्वर को ऐसा रोस्ट कर डाला कि कॉमेंट सेक्शन में लोग ये लिखने लगे कि भाई मुनव्वर को रुला डाला। क्या हुआ आखिर, मैं बताता हूँ। तो ये कंटेस्टेंट आए और आके जो है बहुत राउडी किस्म के ये बंदे थे, और इन्होंने आकर जो है नाम पूछने लगे सबसे। हाँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। अब मुनव्वर ने डिससेटिस्फेक्शन वाला बटन दबा दिया जो कि था थम्स डाउन, जिस पर यहां पर मुनव्वर फारूकी की रोस्टिंग पर सवाल करते हुए ये बात बोलते हैं कि भाई तुम रोस्टिंग करते हो या फिर स्टैंड अप कॉमेडी करते हो। तो बोलता है दोनों। तो बोलता है कि वो बोलता है कि भाई मुझे तो एक भी नहीं लगता। मुनव्वर चुप। फिर उसके बाद मुनव्वर कहता है तेरे जैसे लड़कों के मुंह नहीं लगता मैं। तो फिर वो कहता है अच्छा नहीं, चॉइस थी, चॉइस है मेरी, वो कहते हैं। तो फिर वो पूछता है कि जेल जाना भी तुम्हारी चॉइस थी। मुनव्वर फिर शांत। दोस्तों ये वीडियो वायरल हो रही है लिटरली जंगल की आग की तरह, जहां पे मुनव्वर का मोए मोए कर दिया है लिटरली, बापरे। और ये बंदा जो है इसको सोशल मीडिया पे चारों तरफ अप्रिसिएशन ही अप्रिसिएशन मिल रहा है, पता नहीं क्यों। खैर वैसे आपको बता दूं तो यहां पर मुनव्वर के जेल जाने पर काफी ज्यादा बार वो कमेंट पास करते हैं और बोलते हैं भाई तुम्हारा जेल जाना जो पर्सनल था या फिर इंडिविजुअल था। प्लस ये भी बात बोलते हैं तू जिस जेल में रहा है वहां पे मैं चार बार आता था, मैं चार बार मिला हूं आपसे। मुनव्वर कहता है कि मुझे तो तू एक बार भी याद नहीं। फिर उसके बाद वो बंदा कहता है क्यों, कैसे याद होगा ना, क्योंकि उस जेल का जो जेलर था वो मेरा ताऊ था। तो मुनव्वर का मुंह जो है, अगर आप लोग देखेंगे उस वीडियो को, बहुत वायरल हो रही है, वो काफी मुनव्वर खुश था बट बेचारा इतना सा उसका मुंह हो गया। खैर वैसे आपको क्या है कहना इस बारे में, कॉमेंट करके जरूर बताएं। चलता हूं।